सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को महापर्व महारामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, विगत कई दिनों से महारामनवमी की तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से पूरे ज़िले भर में चल रही हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार शोभा यात्रा और झांकियों का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन शहर भर में चल रहा है। कल रात में भी बहुत बड़े पैमाने पर काफ़ी देर रात तक झांकियों का प्रदर्शन चला था, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन चला था और शहर के सभी लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया। आज जुलूस निकलने की तारीख है। दोपहर के बाद से यहाँ पे बड़े पैमाने पे विभिन्न अखाड़े अपने अपने जुलूसों के माध्यम से इकट्ठा होना शुरू होंगे और अपने महावीरी पताका को लेते हुए यहाँ से तपोवन मंदिर की तरफ पहुँचेंगे। वहाँ पर मंदिर में अपने अपने पताका को स्पर्श कराने के बाद सब अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटेंगे। इस पूरे रास्ते भर में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियाँ कराई गई हैं, बिजली व्यवस्था, CCTV की अरेंजमेंट्स, पेयजल की व्यवस्थाएं समेत बड़े पैमाने पे फोर्सेज और मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय कर रखा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, NDRF सभी को बड़े पैमाने पे ब्रीफिंग की गई है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि रांची शहर पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम ने पूरे क्षेत्र की बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई करी है। सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी लगातार मुआयना किया जा रहा है। जगह जगह पर विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा अपने अपने मंच बनाए गए हैं, जहां से वह अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से जुलूस में रहने वाले लोगों को अनुशासित रहने का लगातार निर्देश देते जा रहे हैं। और यहाँ फिरायलाल चौक पे जो प्रशासन का मंच बना हुआ है, यहाँ पे सभी वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी व्यवस्था पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से रामनवमी पर्व का सफल आयोजन इस शहर में संपन्न होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।